जी बिल्कुल तैयार हूँ। मरियम भी तैयार हो गई। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उम्मीद है कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हम एक्चुअली मरियम को डिनर पे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मरियम अब एग्ज़ाम से फारिग हो गई है और अपने हस्बैंड के पास चली जाएगी जी, US। और तो इट्स गोइंग टू बी अ फेयरवेल डिनर, तो हमने कहा कि आप लोग भी जाहिर है मरियम को मिस करेंगे, लेकिन मरियम आती जाती रहेगी। और मरियम को मैंने कहा है कि ज़रा वहाँ की एक्टिविटीज़ के क्लिप्स बना के और वीडियोस बना के हमें भेजें, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो डिस्टेंस एक्चुअली इज़ नो प्रॉब्लम आजकल के ज़माने में, वेयर यू आर अवे फ्रॉम ईच अदर, जस्ट अ फ्लाइट डिस्टेंस और अ फोन कॉल डिस्टेंस और अ वीडियो कॉल डिस्टेंस अवे। व्हाट्सएप कॉल डिस्टेंस। हाँ जाहिर है। तो मेरी दुआ है पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे दुनिया की बेटियों के लिए कि जो जहाँ जहाँ पर भी हैं अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और अपने माँ बाप के लिए दुआ करती दुआ रहे। करें और जिंदगी में कामयाबी मिले सबको, सब बच्चों को। आमीन आमीन। तो चलिए लेट्स गो टू अरेना। ओके, लेकिन हमने डिसाइड नहीं किया है कि हम जा कहाँ रहे हैं। किया तो है कहाँ? फोको 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 कहाँ है ये? F6। ओके आई थिंक इट्स प्रोनाउंस्ड एज फोको, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग माजरा। अच्छा चले ठीक है, चल कर देखते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि उनके रेस्टोरेंट को कहते हैं क्या है। इज इट गुड? किस किस्म का खाना है भाई उधर? लाइक ओस्टर्स, अच्छा मतलब ठीक है, मतलब ऑल काइंड ऑफ फूड इज अवेलेबल। यप। चले जी फिर चलते हैं, देखते हैं, मेरे लिए देखो नई लेट्स प्लेस है। चल तो जी, बहुत ज़्यादा ठंड भी है और बारिश भी है और हम जा रहे हैं डिनर पे। बहुत बारिश है, बहुत बारिश है। बाबा ही वाइट और जनाब फोको बहुत मारूंगी, बहुत। अच्छा अच्छा बताओ ना, एक कॉर्नर में हमें बड़ा अच्छा सा टेबल मिल गया था। ये बहुत खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है, स्माइल कर रही है मेरी तरफ, मुझे प्यार ही हो गया। इट वाज अ वार्म एंड अ वेरी अच्छा सा कॉर्नर, और ये अब सारे के सारे हम अपने अपना खाना चूज कर रहे हैं। इनके अजीबोगरीब नाम थे इटालियन टाइप, मुझसे तो पढ़ा ही नहीं जा रहा था, कोई चीज़ साइलेंट थी बीच में, क्या बोलना है क्या? ये देखें जी, ये देखें, पता नहीं, ये कोई इटालियन खातून है। सीरियसली तो किसी टॉप फर्म की CEO। ये मैं बता रही थी कि यार मैं श्रिम्प्स मंगवा लूँ, फिर मैं डर गई, मैंने कहा कहीं उसमें स्टिंक ना आ रही हो, तो इसलिए फिर मैंने मरियम कौन क्या मंगवाया था, नोकी, हाँ जी गनोकी था, लेकिन उसको नोकी मैं कहते हैं। तुम्हें बहुत मारूंगी। तो ये हमारा यहाँ पे चल रहा था ऑर्डर का मामला। ऑर्डर शोर्डर हो रहे थे, इस वेटर को बाद में मैंने हीटर मंगवा लिया था एक्चुअली, मुजीब ने अपने लिए एक सूप मंगवाया था और साथ एक काइंड ऑफ राइस था, ये मैं ऑर्डर कर रही हूँ अपना। क्या मैंने ऑर्डर किया था वो भी मामा? आगे आप दिखाएंगे हाँ, ना। स्पिनच अल्फ्रेडो। यार मैंने इतना बुरा मेकअप क्यों किया हुआ है आज, मुझे क्या हुआ हुआ था? क्योंकि आप अभी थकी हुई हो एग्ज़ाम से, तो एवरीवन नोज़। और हाँ इसका अच्छा अच्छा लगा मुझे वैसे ये इसका ओवरऑल। हाँ आपको भी देखो, जूम इन कर करके आपने ऐसी तस्वीरें मेरी ली हैं, वो शुक्र है। गुड मरियम, छुपा लो मुँह। तो लेकिन यहाँ पे हमारी गपशप चल रही थी और एक्चुअली यहाँ पे शोर इतना था कि वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, लेकिन मरियम आप सब लोगों को कह रही थी कि इसी तरह ही मेरी मामा के चैनल को। सब्सक्राइब करते हैं, और मैंने मामा का बहुत ख्याल रखा हुआ है, तो आप लोगों को करना पड़ेगा। ये हाँ हमारा ये हो खाना रहा है, था ये हमारा। पिज्ज़ा था जो मुझे तो बहुत पसंद आया था, लेकिन अपेरेंटली इसका क्या पेपरोनी पिज्ज़ा था? हाँ बाबा कह रहे थे कि रोटी के ऊपर बना हुआ, मामा कह रही थी ऊपर कॉटेज चीज़ नहीं होनी नहीं, बट चाहिए इट थी। वाज इसकी जो वो है ना बेस, वो बहुत थिन थी।
थिन क्रस्ट पिज्जा था ना. अच्छा अब ये क्या है? स्पिनच अल्फ्रेडो था, ये मामा वाली डिश थी. उसके अलावा फिर ये बहुत मज़े किया, ये मेरी फेवरेट. नाम बता दो ना. नोकी. नोकी. और ये पिज़्ज़ा, ये बाबा का राइस, मुजीब का. ये सीधा हो सकता है? हाँ अभी कर देंगे. ये मामा को खाते हुए दिखा रहे. ओ ये मैं हूँ. हाँ मरियम ने सारों का खाना मरियम ने ख़त्म किया था, बिकॉज शी वॉज झूठी लेके गई थी. मुझे तो आई कुड ईट दिस ऑल डे बट क्रीम मज़े का था, लेकिन काफ़ी हैवी था बिकॉज इसमें चीज़ और क्रीम. और इटालियन है ना फिर खाना, एंड इट वाज लाइक कंफर्ट फूड. और उनके वो टिपिकल सा टेस्ट जो इटालियन फूड का होता है. सो ओवरऑल इट वाज गुड. इसमें डाल लूं मेकअप, लाइक आधा इसमें और आधा वो जो आपके पास ब्लू कलर का मिनीसो में नहीं है वो जो पड़ा हुआ. हाँ डाल लूं मेरी मैं बच्चे. बहुत स्पेस है अगर आप अभी से थोड़ी थोड़ी पैकिंग करोगी ना. देन यू विल फील इजी. ये देखो सही है, बहुत स्पेस है इसमें. एटलीस्ट मेरी आंखों की चीजें तो आ ही जाएंगी. सही है. तो आप सबको जरा बताएं कि आपको खाना कैसा लगा. मुझे तो 11/10 लगा. मामा बाबा मैंने कहा कि बस 6/10 मतलब अच्छा था. इट वॉज इटालियन. इटालियन लग रहा था मुझे सारा कुछ. पास्ता था और पिज्जा था और इसी तरह ना सारा उन्हीं की वो जैसे व्हाइट सॉस में एंड एवरीथिंग. अच्छा है, इट्स नॉट बैड. तो सो गुड. क्या नाम है? फोको. फोको. फोको इज इटालियन फॉर फायर. अच्छा अच्छा मतलब ठीक है. यानी इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है फोको, जिसका मतलब है फायर. फायर. इसे मैं मेरा नाम रख दो बल्लू फूको. तो बल्लू फूको जो है वो अपनी पैकिंग का इस वक्त उसको पड़ा हुआ है मुसीबत, क्योंकि अभी ये सारा कुछ सॉर्ट आउट करना कि कौन सी चीजें उसने लेके जानी है और कौन सी चीजें यहाँ मैंने संभाल के रखनी है और कौन सी चीजें बिल्कुल ही नहीं चाहिए. तीन चीजें हैं ये, एक लेके जानी है, एक जो यहाँ संभाल के रखनी है और एक जो आप चाह रही हो कि ना रखो. आज तो खैर प्रॉफ का फाइनल डे है क्या था और मैं सोई भी नहीं हूँ, तो आज मैं हल्का सा बस मेकअप ही सॉर्ट आउट करने की हिम्मत है. ठीक है तो वो भी बहुत है. बस अभी चाय बनाऊंगी फिर हम मेकअप प्रोसेस सॉर्ट आउट कर लेंगे. ठीक है. एंड देन आई विल वॉच समथिंग एंड स्लीप. बट आई थिंक वॉच समथिंग के बजाय यू शुड गो टू स्लीप. वॉच करते करते स्लीप. वॉच समथिंग मींस स्लीप. हमें उम्मीद है कि आप हमें इसी तरह ही लाइक करते रहेंगे. लाइक का बटन जरूर काजू कतली खा करें, मिठास बढ़ाएं अपनी जिंदगी. पता अच्छी बात है, मैं सोचू मैं थकी रहा हूँ एंड तक मेरे पास कोई इमोशनल चीज सोचने की टाइम ही ना हो. नहीं इमोशनल कोई भी ऐसी बात नहीं है. यू आर गोइंग टू बी हैप्पी, डोंट वरी. तो रो क्यों रही हो? मैं तो बिल्कुल भी नहीं रो रही हूँ. मुझे पता है आप चुप चुप के रो रही थी इसीलिए देखो बारिश इतनी हो रही है ऐसा मैं आपके आंसू में. ओह ये दरअसल बाहर बारिश नहीं हो रही है, मेरे अंदर का मौसम है. मेरे दिल का हाल. तो खैर लेकिन मजाक. डी वॉटसन से मैंने पोनियां लेनी थी. अच्छा ले लेंगे ले. एक भी नहीं है. हुआ है क्या होता है? मैंने पूनियां लेनी थी. चले जी हम कल मरियम की पूनियां भी ले लेंगे और छोटी छोटी सी चीजें जो इसको जरूरत की इसकी होंगी वो भी ले लेंगे. एंड फिर हमारे साथ ही रहें. अभी कल मेरे ख्याल में इसकी पैकिंग का ब्लॉग आ जाएगा और फिर इसको हम खुदाफिज कहेंगे और फिर मैं अमेरिका जाने की तैयारी करूंगी. तो हमारे साथ साथ रहें और हमें लाइक करते रहें और लड़ाई भी करते रहें. कमेंट जो बजे जबीन पिया करें. ठीक है ठीक है ठीक है. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. टिल नेक्स्ट व्लॉग. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.